मतलब ये वारदात हुआ कब? आप पिछले बार मिले थे तो आप इंस्पेक्टर थे ना, इस बार थी दरोगा? थोड़ा घूस लेते हुए पकड़े गए तो डिमोशन हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो महाराज फिरौती मांग लेते घूस का? इतना साल के करियर में जब ऐसा नहीं किए तो अभी अभी इस बार का जरूरी पड़ रहा था? लेते पहले भी थे, इस बार धरे गए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है धाकर न्यूज के ताजा तरीन एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकर न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क, सिर्फ धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। हमारा इस बार कैमरामैन जो था गड़मुंडा, जो बुलाए थे बरमुंडा का साला था, जो सुबह भेजे थे उसको धनिया लेने के लिए, लेकिन सुबह से साला गायब है। खैर छोड़िए, वो सब पर्सनल मैटर होते रहता है। हमारे साथ मौजूद है विश्वविख्यात दरोगा लल्लू कुमार जी, जो कि एक दरोगा ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया स्टार और एक फेमस यूट्यूबर भी हैं। तो सर कितना सब्सक्राइबर हो गया है आपका यूट्यूब पे? अभी 7 मिलियन होने वाला है। 7 मिलियन है जी? मेरा कितना है? 4 है जी। अभी तक आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। हाँ जी, तो मतलब हमारे साथ मौजूद हैं दरोगा जी, तो इनसे हम बातें करेंगे। इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अंदाज बहुत ही निराला होता है। जैसे जो भी अपराधी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, उनको यहाँ पे लाइव बुला के और उनसे वार्तालाप किया जाता है और उनसे तुरंत यहाँ लाइव जुर्म कबूल करते हैं। तो दरोगा जी, ये हमें बताइए कि जब से आपने इस थाने का इंचार्ज लिया है तो आपने क्या क्या बदलाव किए हैं? अब भाई देखिए, मैंने 5 कैमरामैन को अपने साथ रखा है, जो एनी टाइम हमारे साथ रहते हैं। तो मतलब कैमरामैन क्यों रखा है आपने? इसलिए रखा है जो कोई भी कोई घटना हो, मैं पब्लिक वेलफेयर में काम करता हूँ, जी जी, कोई भी कार्य होगा उसका जो भी प्रसारण होगा वो सीधा होगा। हाँ जी, जी जी जी, इसमें कोई भी कार्य कहीं गलत नहीं कर सकता जी, और तो पब्लिक को भी हमारी हेल्प करनी चाहिए जी। तो ये मतलब आप काम बिना कैमरा के भी तो कर सकते थे? अरे भैया, कैमरा नहीं होगा तो बताइए प्रूफ कैसे होगा? हमारा जो काम है भाई उसका प्रूफ होता है। मतलब प्रूफ जरूर, देख दोस्तों, जैसा कि आपने देखा प्रूफ, ये देखिए, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, 9 अक्टूबर को पेशेंट थॉमस डॉक्टर के क्लिनिक में अपना अंडकोश का ऑपरेशन के लिए आया था, लेकिन डॉक्टर बबलू भटियारिया द्वारा गलत ऑपरेशन करने की वजह से इनके अंडकोश के साथ इनका गुप्तांग भी काटना पड़ गया, और प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि इनकी तो डॉक्टर की डिग्री भी नकली है। जी जी, इधर आइए, यही है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बबलू भटियारा, जो कि आज के क्रिमिनल हैं, और इन्होंने मतलब ऐसा ऑपरेशन किया कि आदमी को अंडकोश की जगह आंडला और सबसे हाथ धोना पड़ गया है ना। कब आया पेशेंट तुम्हारे पास? 9 तारीख को रात में। तो आए तो सबसे पहले क्या हुआ, क्या किया आपने? उन्होंने कहा कि बोलिए, क्या कहा तुमने पेशेंट से? क्या कहा पेशेंट? क्या दिक्कत लेके आया था? कि मेरे प्राइवेट पार्ट में दर्द है। दर्द है, तो आपने क्या बोला फिर? मैंने कहा कि किसी बढ़िया डॉक्टर को दिखाइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर के पास पेशेंट आ रहा है, तो डॉक्टर कह रहा है कि किसी बढ़िया डॉक्टर को दिखाइए। पेशेंट को एडमिट करा गया था और उसी में ही ऑपरेशन कर दिया इसका। बताइए, 25 मिनट में ऑपरेशन कर दिया तुमने? हाँ, इतनी जल्दी ऑपरेशन कर दिया? अरे भाई, डिग्री है कहाँ तुम्हारी? कैसे डॉक्टर बनल था जी तुम? हम डॉक्टर थोड़ी हैं, हम तो प्रोटेस्टनर हैं। प्रोस्टिट्यूट हो तुम? मेडिकल प्रैक्टिशनर हो कि प्रोस्टिट्यूट हो? का प्रैक्टिशनर ना हो, प्रैक्टिशनर ना हो आप? तो अच्छा, तो ये बताइए कि मतलब प्रोस्टिट्यूट का काम का ये सब? तो ये बताइए कि मतलब जैसे डॉक्टर और प्रैक्टिशनर दोनों में अंतर क्या होता है? डॉक्टर होता है, हम तो सिर्फ एक्सपीरियंस से काम करते हैं। मतलब प्रैक्टिस मतलब कर रहे हैं, प्रैक्टिस किया आदमी बचा नहीं तो अपना आड़ गड़ सब कटवा दिया है ना। तो बिना प्रैक्टिस के, बिना सर्टिफिकेट के डॉक्टर कैसे लिखा तुम? बड़े बड़े डॉक्टर से भी गलती हो जाती है। अच्छा, तो ऐसे तो सब लोग 4-5 गलती करके डॉक्टर बन जाएंगे भाई, बताइए ऐसे डॉक्टर बन के चलते रहा पर? इसको मारे का सर, 2-4 जब मारे का? नहीं, इसको मारिए नहीं, इसको ऊपर लेके जाइए, ऊपर करना। तो ऊपर जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको फांसी की सजा हो गई है यहाँ पे। फांसी नहीं, फांसी की सजा नहीं है भाई, इसको तो सजा कोर्ट सुनाएगी। अच्छा, आप बोले ना कि ऊपर लेके। अरे हमारी जेल है भाई ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर जेल है, इसको फांसी की सजा नहीं हुई है। देखिए, लोगों के साथ मतलब लोगों के स्वास्थ्य के साथ तुम साला खेलता था जी, और कई तरीका है ना पैसा कमाने का। ताजा उसके बढ़ते हैं, दरोगा जी से बात करते हैं। कुछ और भी है क्या क्रिमिनल? हाँ ये है ना। अच्छा अच्छा, देखिए एक और क्रिमिनल है। 12 केस है इसके ऊपर, और इसे पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा है हमने। हमारे साथ दरोगा लल्लू कुमार जी भी थे, इसके पास से एक अवैध पिस्तल भी बरामद हुई है। अच्छा अच्छा, जैसा कि आपने सुना कि दरोगा जी भी साथ थे जब ये पकड़ा गया है, तो जब आपने इसको पकड़ा तो क्या रिएक्शन क्या था इसका? अरे इसका रिएक्शन बड़ा ही आश्चर्यजनक था, इसने तो मेरे पैर पर भी हमला कर दिया। ओह, बड़ा ही आश्चर्यजनक है एकदम।
हाँ भाई इधर आओ, क्यों रखते हो अवैध हथियार? सर लोगों को डराने के लिए। अच्छा लोगों को डराने के लिए, तो इसके पास अवैध हथियार है, इसका पता कैसे चला सर? अरे इंस्टाग्राम पर गन के साथ फोटो डाली थी इसने, और इसकी वो इंस्टाग्राम आईडी भी है खूंखार लड़का 75। अच्छा क्यों भाई खूंखार लड़का 75? दिखाइए फोटो कैसे डाला था भाई, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। फोटो डाला था बताइए। हाँ ये आपकी कोई डालने की चीज है? तो मतलब सर ये बताइए कि आप जैसे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप गन दे दे रहे हैं एक क्रिमिनल के हाथ में, तो कुछ खतरे का चीज नहीं है ये? करना पड़ता है, इसे समाज में पॉजिटिव मैसेज जाता है। और जो गन जो है ये तो वैसे भी अनलोडेड है। हाँ भाई अनलोडेड है, अनलोडेड है, चेक नहीं करी, अनलोडेड है। चेक नहीं किया महाराज? सर इसमें नशे का सामान भी मिला है सर। नशे का सामान? हाँ भाई दारू पीते हो? हाँ सर पीते हो। कितना पीते हो सर? 1 से 1.5 लीटर पी जाते हैं। उतना तो हम नहीं पी पाते हैं। बताइए जेल से छूटने के बाद क्या करोगे सर? दिल्ली जाकर करेंगे। क्या करेंगे? दिल्ली जाकर चोरी करोगे? नहीं सर काम करेंगे सर। अच्छा देखिए सॉल्यूशन भी मिला इसका, ये रहा। अरे बाप रे ये कितना खतरनाक नशा है। ये सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है मतलब? अच्छा, दारू बंद होता है तो यही सॉल्यूशन है। अच्छा तो ये तो करके आप लोग बेहद नशे में रहते होंगे, इसको कैसे करते हैं आप लोग? क्या है करके दिखाइए, करिए। उसे ना रुमाल में डाल के सर मिलाते हैं। हाँ। फिर रुमाल को फोल्ड करके फिर सर नाक में, मतलब कैसे रुमाल में कैसे डालते हैं? करके रखा सर। कैसे डालते हैं करिए? अरे देखो इस जो है ना इसको रुमालवा के सर इसे रख के और इतना तह बना के फर्स्ट लेयर में इसको एकदम फर्स्ट लेयर में डालना है। देखिए एकदम फर्स्ट लेयर में इसको इसे डालिए और इसके बाद इसको रख के एकदम टॉप पे रखना, एकदम सामने से इसको देखिए इस तरह से जो किया जाता है, मैंने देखा था डिस्कवरी चैनल पे एक डॉक्यूमेंट्री में, इस तरह से खतरनाक नशा करता है जी, शर्म नहीं आता। ले जाइए इसको, इसकी वजह से हमको डॉक्यूमेंट्री में देखना पड़ रहा है साला है कि क्या नशा कर दिया जी। और दूसरे को बुलाइए, और भी है। 2023 दोस्त के बर्थडे पार्टी ना देने की वजह से गोलू गलीच पिता प्रद्युमन गलीच ने अपने दोस्त रवि फौकरी के सर पर वार कर दिया। दोस्त को ही पीट दिए, पार्टी ना मिली तो दोस्त को ही पीट दिए। सर कुछ और मैटर था। क्या मैटर था? गर्लफ्रेंड का मैटर था। गर्लफ्रेंड का क्या मैटर था? अरे सर देखिए ये बॉक्सर भी है। बॉक्सर भी है? बॉक्सर है। अच्छा पहनी है, बॉक्सिंग क्लब पहनी है अपने सर, अरे अपने ग्लव्स पहनिए आप। अरे दिखाइए ना, पहन के दिखाइए। तो यहाँ देखिए दरोगा जी ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि मतलब पहन के दिखाइए, ये गोलू गलीच है, इन्होंने अपने दोस्त रवि फोकरी पर हमला कर दिया था। तो ये देखिए यहाँ पे पहन के दिखा रहे हैं ग्लव्स, लेकिन हमको लग रहा है ये सब खतरनाक चीज़ है, काहे ला ये सब क्रिमिनल के हाथ में दिया जाता है जी। बड़ा मैंने बढ़िया क्वालिटी लग रहा है इसका ना। पहनिए अब करके दिखाइए बॉक्सिंग। अरे ठीक से वीडियो करके दिखाइए अच्छे से, ठीक से करके सर। वीडियो मत बनवाइए सर, मेरी नाक कट जाएगी। अरे नाक कट जाएगी आपकी? हाँ जब दोस्त को पहले थे तब नाक नहीं कटी थी आपकी? दिखाइए करके, दिखाइए बॉक्सिंग करिए, बॉक्सिंग करिए सर। ऐसे मारो, अरे अच्छे से करना, कैसे करिए दिखाइए। अरे महाराज ये तो पूरा सुझा दिया जिया है, ज्यादा लग गया, ठीक हो जाएगा ये महाराज। इस तरह से प्रेस कॉन पर दिखाओ दिखाओ दिखा नहीं दिया, अब उसी पर चला दिया, हमको क्या पता था आपको ठीक हो जाएगा। दिखाई दिखाइए, बॉक्सर है वो तो। ये देखिए अगले ये पकड़े गए हैं, ये हैं, हमने विदेशी नागरिक को पकड़ा है, ये जो है विदेशी ये धन, अरे हमको बोले थे डायलॉग धनिया के नीचे गांजा लेके जा रहा था ये। This is my boss. धनिया धनिया बोलो ब्रिंग गुड स्टफ, हाय ब्रो गुड स्टफ, नाउ इज इनाइंग दैट यू डोंट नो मी। के है जी, इसको हम पहचानते नहीं जी, सामने खड़ा हो जाएगा तो इसका अंधेरा में चेहरा दिखेगा आपको, मैम नहीं जानते हैं इसको। पता ना महाराज, हम तो पहला बार उसको देखे है, उसको इसका चेहरा आज तक नहीं देखे है। नहीं 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 आपको बॉस बोल रहा था। अरे बॉस कुछ बोलते, हम बिहार से, बॉस बोला था आपको, हम बिहार से पता नहीं कहाँ से है, हमको कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में जी। तो इस तरह से जैसा कि आपने देखा बहुत ही खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि कंक्लूड हुई है। पले रहिए आप बैकेंड न्यूज के साथ सर, हमारा ऊपर मत कीजिएगा सर, निकलते चल।